नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी राजस्थान में बहुत बुरा सड़क हादसा हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले में सड़क हादसों में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु रामदेवरा से दर्शन करके लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी कार को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा सुरपालिया थाना क्षेत्र के बूढ़ी फाटा के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक एक ही परिवार के थे और वे रामदेवरा से दर्शन कर क्रूजर कार से लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी कार को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया है। गुरुवार देर रात हुए इस सड़क हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं क्रूजर के चालक समेत 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रक चालक भी दोस्तों घायल हो गया है। बहुत बड़ी बुरी खबर दोस्तों इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां पर दोस्तों 5 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो गई है, जबकि 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। सुरपालिया थाना पुलिस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। सभी घायलों को डेहे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोस्तों नागौर रेफर कर दिया। घायलों में 3 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। जायल सीओ रामेश्वर लाल ने बताया कि ट्रक और क्रूजर की अचानक आमने सामने टक्कर हो गई। मृतक में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं। जायल सीओ ने बताया कि क्रूजर सवार श्रद्धालु रामदेवरा से दर्शन कर अपने गाँव सीकर जिले के रिंगस के पास आबावास जा रहे थे। नागौर SDM सुनीत पवार ने बताया कि क्रूजर गाड़ी में सवार सभी 17 लोग रामदेवरा दर्शन करके अपने गांव आबावास लौट रहे थे। इसी दौरान दोस्तों यह हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और ये एक ही परिवार के रहने वाले। वहीं दोस्तों 12 श्रद्धालुओं में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही थी, जिन्हें बाद में उदयपुर रेफर कर दिया। तो दोस्तों बेहद बुरी खबर, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आए दिन दोस्तों सड़क हादसे हो रहे हैं। प्रत्येक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि इसलिए कि आप दोस्तों गाड़ी धीरे चलाएं, आराम से चलाएं और सड़क हादसा ना हो, लेकिन आप गाड़ी की रफ्तार तेज करके चल रहे हो और हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो बेहद बुरी खबर राजस्थान से।